हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस 41th लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। बिफोर स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू रिकैपिटुलेट व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, यानी दैट मींस इन द प्रीवियस यूनिट। तो इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर वी लर्न अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन एबीसी एनालिसिस, देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, दैट इज इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो वी लर्न अबाउट इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन परचेज प्रोसीजर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, स्टेप्स व्हाट स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड ड्यूरिंग परचेज ना, तो स्टेप्स ऑफ परचेज। देन फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर वी लर्न अबाउट जस्ट इन टाइम सिस्टम अप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 7, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो इन दिस यूनिट टुडे आई विल गोइंग स्टार्ट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस सेशन। ओके, सो आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन लिस्ट द कोर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के अंदर आ जाए, सॉरी एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं बताना है, नॉन न्यूमेरिकल, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट आर बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। यदि ये देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। रेंज ऑफ एक्टिविटीज इज सो वाइड दैट इट ऑलमोस्ट एनकंपासेस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो रेंज है इतना विस्तृत है, ये लगभग सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है, सभी प्रकार की जो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको अपने अंदर समाहित करता है। तो दिस डेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फास्ट इमर्जिंग एज न्यू प्रोफेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रूरल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम गुड्स एक्सेट्रा। आज के दिन जो है, अभी वर्तमान समय में ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इमर्जिंग है प्रोफेशन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जहाँ की चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, हर जगह जो है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत पड़ती है। और सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सम गुड्स, और जहाँ पे कुछ नई फैक्ट्री बनानी है, कुछ जो है कि सम गुड्स का उत्पादन करना, वहाँ भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। इसलिए ये आज के युग में एक इमर्जिंग क्षेत्र है। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट दीज रिसोर्सेज डिलीवर ऑल द वर्क रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट प्रोजेक्ट विद इन डिफाइंड स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज को इस तरह, जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनको इस तरीके से व्यवस्थित और प्रबंधित करता है, उसको उसका मैनेजमेंट करता है, मतलब एक उसको जो व्यवस्थित और मतलब ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग यानी प्रबंधित करने का एक अनुशासन है, यानी डिसिप्लिन है कि ये रिसोर्सेज एक जो परियोजना है उसको डिफाइंड दायरे या समय या जो लागत की हमारा कॉन्स्ट्रेंट है उसके भीतर रहकर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करे और उस सभी आवश्यक कार्य को प्रदान करे। तो ये है प्रोजेक्ट, यानी एक लाइन में इसको कह सकते हैं
कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज को इस तरीके से व्यवस्थित और प्रबंधित करने का अनुशासन है कि यह रिसोर्सेज का एक परियोजना को डिफाइन दायरे, समय और लागत की बाधाओं के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य प्रदान करता है, जो भी रिक्वायर्ड जो है वर्क है। एंड ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देयरफॉर डिफाइन एज हैविंग अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स लाइक विद इन द टाइम लिमिट, विद इन एस्टिमेटेड कॉस्ट, डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल एंड यूटिलाइज द असाइंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। जो एक जो सफल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रबंधन है उसको हम इस तरीके से भी उसका मतलब उसको डिफाइन करते हैं कि जो कि उसके उद्देश्य के तौर पर कि वो अपने जो उसका जो लक्ष्य है, उसका जो निर्धारित गोल्स था, उसको जो टाइम फ्रेम था उसमें, जो उसको असाइंड कॉस्ट था उसमें, और इवन जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी था उसी को यूटिलाइज करके काफ़ी इफिशियंटली और इफेक्टिवली उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है यह एक टूल्स है मैनेजमेंट का जो कि प्लानिंग और कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हिच हैज बीन डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू मेक मोस्ट इफिशियंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज वट एवर दैट इज मैन पावर, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, मटेरियल्स, मनी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कैन बी अचीव्ड विद इन बजट्स ऑन शेड्यूल एंड एट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी लेवल व्हाइल एडहेरिंग टू इवर चेंजिंग एनवायरमेंटल इनपुट फैक्टर्स लाइक लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। अब ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो प्रबंधन के प्लानिंग और नियंत्रित करने वाला एक टूल्स है, और जो उस ऑब्जेक्टिव्स इसका है कि किस प्रकार से जो हमारे पास जो संसाधन है उसके इफेक्टिव और इफिशियंट यूज करके, जैसे कि मान लेते चाहे वो मैन पावर हो, कोई इक्विपमेंट हो, फैसिलिटीज या जो भी मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, जो भी सूचना, जो कुछ भी अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को जो फ्रेम बजट है उसके अंदर रहकर, जो टेक्नोलॉजी है उसी के आधार पर, और उन सारी चीजों को सॉरी ना का पालन करते हुए ना लाइक लीगल, सोशल, पॉलिटिकल जो भी है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कंपनी रिसोर्सेज for relatively short-term objective that has been established to complete a specific goals and objective। तो इसलिए जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको हम एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कंपनी के इन रिसोर्सेज के ऊपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के रूप में डिफाइन करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में जो एस्टेब्लिश्ड स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए रणनीतिक बनाई जाती है इसमें। अब डिफिनेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ डिफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेज, मेथड्स, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो प्रोसेस प्रक्रिया हो, चाहे मेथड हो, नॉलेज हो, स्किल हो और एक्सपीरियंस यानी अनुभव हो, उन सभी का एप्लीकेशन है। ठीक, एक लाइन में इसको डिफाइन करें। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMI, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मीट एंड एक्सीड द स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो PMI इसको कहता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, स्किल, टूल्स और टेक्निक्स का एप्लीकेशन है जो जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को प्राप्त करने के लिए इनका यूज करता है, और उस एक्टिविटी जो इधर एक्सपेक्टेड है स्टेक होल्डर्स का और इससे ज़्यादा, हाँ, तो मीट्स इन ऑर्डर टू मीट द एक्सीड स्टेक होल्डर्स
और एज एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेड किया गया था वो मिले या इससे ज़्यादा मिल जाए, जो भी है इसके लिए ना, जो भी लक्ष्य है और जो ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये प्रोजेक्ट इज टेम्प्ररी एंड वन टाइम एंडेवर। देखिए ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पूछ सकता है, एक समय का प्रयास है, मतलब वन टाइम एंडेवर है, यानी एक पार्टिकुलर किसी वर्क को करने के लिए ना। तो अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कोई यूनिक उत्पाद बनाने के लिए या कोई सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए एक बार में किया गया प्रयास ही प्रोजेक्ट है, इसलिए ए टेम्प्ररी है ना। अब हम आते हैं रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है? तो सो फ्लोइंग रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इन ए टाइमली मैनर विद इन बजट। यानी जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो बजट के भीतर समयबद्ध तरीके से परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करें। ये उद्देश्य रहता है कि जो भी इसका कि जो हमारा लक्ष्य है उसको जितनी हमारी संसाधन है, जितना हमारा समय है, जितना हमारा बजट है, उसी में रहकर उस लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट विद इन डेविएशन फ्रॉम प्लान हाईलाइटेड। और दूसरा कहता है कि यदि योजना से विचलन के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जाए, यदि कुछ मतलब जो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका भेजते हैं, तो हमें ये हाईलाइट करना होगा कि हाउ मच डेविएशन फ्रॉम द आवर गोल्स ना, और हम आवर रूट्स, मतलब हम कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, कितना हम डेविएट हुए हैं जो निर्धारित प्लान था उससे। एंड थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंट डिसीजन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। यानी टॉप मैनेजमेंट से महत्वपूर्ण निर्णय का अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ तो इनके ऊपर इनका फोकस रहता है। अब इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसको क्या करना होता है। सो बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर एज फॉलो। अब उसको देखते हैं कि कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो पहला कहता है ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट डाइवर्स एंड स्कैटर्ड एक्टिविटीज टू अचीव टाइम कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस गोल्स। यानी कह रहा है कि जो टाइम है, टाइम कॉस्ट और परफॉर्मेंस गोल को प्राप्त करने के लिए विविध और बिखरी जो डाइवर्स और स्कैटर्ड एक्टिविटीज है उनको व्यवस्थित और कार्यान्वित करना ना, उन सारी को एक जो है कि ऑर्गेनाइज करके और देन स्टार्ट वर्क टुवार्ड्स द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। डेवलप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, फिर जो है कि परियोजना कार्यान्वयन उसको अमल में लाने के लिए जो योजना है, जो प्लान बनाया गया उसको डेवलप करना उसके लिए। थर्ड है ऑर्गेनाइज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, ही शुड शो हिज कमिटमेंट टू दिस प्लान। और जो है कि जो संसाधन ऑर्गेनाइज टू एग्जीक्यूट द प्लान, फिर उनको ऑर्गेनाइज कीजिए प्लान को अमल में लाने के लिए, एंड ही शुड शो हिज कमिटमेंट टू दिस प्लान। और उसको जो है कि उसकी जो प्रतिबद्धता है, जो वचनबद्धता है, कमिटमेंट है, उसको उसके प्लान के प्रति दिखाना होगा। ही शुड इनकलकेट एंथुसियाज्म, टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, रेपुटेशंस फॉर एक्सीलेंस। यानी जो मैनेजर है उसे उत्कृष्टता के लिए उत्साह, टीम भावना, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा पैदा करना चाहिए लोगों में, ताकि वो फुल एंथुसियाज्म और फुल एफिशिएंसी से वर्क करें। डेवलप सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। जो प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए एक सिस्टम सही और एक प्रक्रिया डेवलप करना, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कंट्रोल द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, उसको फिर डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को, गाइड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए मैनेजर को, देन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, इनकी भी संतुष्टि होनी चाहिए, एंड ही शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको एक एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए, अर्थात उसको एक एंटरप्रेन्योर की तरफ उसको सोचना होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको। तो ये सारी चीज़ें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो
कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन बताएंगे कि क्या किसका क्या महत्व है ना। तो फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना, किस प्रकार से इफेक्टिव प्रोजेक्ट का मैनेज किया जाए उसके लिए कुछ टूल्स। फर्स्ट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स, इसमें प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स में दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड सेकेंड है रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है यह एक एक्शन का कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण करता है कि इफ द प्रोसेस ऑफ बिजनेस यूज टू एनालाइज डिसीजन, यदि आप डिसीजन जो लेते हैं या कुछ कि भाई हमें सेलेक्ट करना है नहीं करना है, उसकी कॉस्ट क्या होगा, उसका में बेनिफिट क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटी है, इस सब चीज़ों का इसमें एनालिसिस करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस मीन्स द सी द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अंडर द सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो किस प्रकार से और किस सिचुएशन में कैसे इसको प्रभावित करेंगे, उसका जो है कि हमें इफेक्ट देखना है, उसको भी हम अवहेलना करके नहीं चलेंगे ठीक ना। इसमें तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना ना कि किस प्रकार से ये प्रभावित कर सकते हैं, तो ये सारी चीज। दूसरा है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग टेक्निक, यानी एग्जीक्यूशन, उसको प्लान को जो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जो है कि अमल में लाना, उसके लिए फर्स्ट है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का कहना है कि जो वर्क है जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में मैनेजेबल पार्ट में बांट देना, ताकि जो है यूनिट को का जो लक्ष्य है जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट का उसको कंप्लीट किया जाए जो टाइम फ्रेम है उसमें। इसलिए इट ब्रेक प्रोजेक्ट्स वर्क इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट टू कंप्लीट इट्स वर्क विद इन टाइम स्टिपुलेटेड टाइम, तो ये करता है वर्क स्ट्रक्चर। दूसरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान टेल मी हाउ टू इम्प्लीमेंट एन एक्टिविटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ना, कोई मतलब ऑब्जेक्टिव है, कोई जो उद्देश्य है हमारा प्रोजेक्ट का उसको प्राप्त करने के लिए किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स टेल दैट मीन्स इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ मेजर एक्टिविटीज, यानी इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है कि जो मेजर एक्टिविटीज है, जो बहुत बड़ी एक्टिविटीज है, वो किस किस वर्क को किसको असाइन किया गया, उनको जो है कि तुम किनके प्रति उनकी जवाबदेही है, ये फिक्स करने के लिए प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिजाइन की जाती है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनुअल। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैनुअल है ये इज द मैनुअल फॉर मैनेज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनुअल है जो एक वो ये बताता है कि मतलब इट इज द डिस्क्रिप्टिव मैनुअल फॉर हाउ टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट इफेक्टिवली ना, ये पूरी तरीके से एक वर्क मैनुअल रहता है किस प्रकार से इसको इफेक्टिवली हम मैनेज कर पाए। उसके बाद थर्ड है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक्स, इसमें लाइन ऑफ बैलेंस, बार चार्ट, नेटवर्क टेक्निक आता है। अब जो है कि इसमें जो लाइन ऑफ बैलेंस है वो बताता है कि मतलब दैट इज द इट इज अ मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस यूज इन कंस्ट्रक्शन वेयर द प्रोजेक्ट कंटेन्स बैग्स ऑफ रिपीटेटिव वर्क एक्टिविटीज सच एज रोड, पाइपलाइन, टनल्स, रेलवेज, हाई रिस्क बिल्डिंग एटसेट्रा, तो उसके लिए जो है कि लाइन ऑफ बैलेंस बनाया जाता है। सेकेंड जो है बार चार्ट, तो बार चार्ट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन विच एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई हॉरिजेंटल सेगमेंटेशन ऑफ विच दैट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नेसेसरी टू कंक्लूड द टास्क क्वेश्चन, यानी ये चीज जो बार चार्ट है इस आगे जस्ट हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से एक फिगर आउट रहता है कि जो वर्क है उसका ना। एंड देन सी पॉइंट दैट इज द सीपीएन ऑफ पार्ट, इसका नेक्स्ट लेक्चर में 42 लेक्चर में हम लोग इसको काफी डिटेल से पढ़ेंगे कि नेटवर्क टेक्निक्स क्या।
क्या क्या महत्व है और किस तरीके से महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टेक्निक, फोर्थ। अब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टेक्निक यानी किसी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस प्रोग्रेस मेजरमेंट टेक्निक, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टेक्निक, अपडेटिंग रिव्यू एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, तो प्रोग्रेस मेजरमेंट टेक्निक बताते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन वेरियस टेक्निक्स इंक्लूडिंग माइलस्टोन्स, वेटेड स्टेप्स, वैल्यू ऑफ वर्क डन, फिजिकल परसेंटेज कंप्लीटेड, अर्नड वैल्यू, लेवल ऑफ इफर्ट्स अर्न एज प्लान एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें हमें पूरी तरीके से इसका प्रोजेक्ट का जो है वो देना होता है रिपोर्ट मेजरमेंट करके कि भाई क्या कितनी वैल्यू का काम हुआ है, जो है कि फिजिकल परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है, क्या वैल्यू अर्न की गई है, इफोर्ट्स किस लेवल पे लगाया गया, इन सारी चीज़ों का प्रोग्रेस इसमें। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टेक्निक। अब जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टेक्निक है वो ये बताता है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, मतलब इट इज द टेक्निक्स ऑफ रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन ए प्रोजेक्ट प्रोग्राम। यानी यह एक टेक्निक है जिसमें रेगुलर ऑब्जर्वेशन किया जाता है एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटी, और जितनी भी कार्य होती है उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके जो प्लेस इन ए प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, वहाँ उसको रिकॉर्ड करके मेंटेन किया जाता है और संबंधित अथॉरिटी को सेंड किया जाता है। तो ये भी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टेक्निक। और थर्ड इज दैट द अपडेटिंग रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग टेक्निक। ये जो है कि अपडेट और करना कि क्या हमारा स्टेटस, कल कहाँ थे आज कहाँ पहुँचे, देन रिव्यू करना, देन रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग द टेक्निक्स, और जो भी है उसको रिपोर्ट करना, ये सारी चीज। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोडक्टिविटी टेक्निक। ओके, तो वैल्यू इसमें है वैल्यू इंजीनियरिंग, बजटरी कंट्रोल एंड कॉस्ट और WBS। तो जो वैल्यू इंजीनियरिंग है इट इज द सिस्टमेटिक मेथड टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाय यूजिंग एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स इट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई एंड इलिमिनेट अनवांटेड कॉस्ट वाइल इम्प्रूविंग फंक्शन एंड क्वालिटी। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि यदि किसी, ये मतलब एक रेगुलर एग्जामिनेशन है और इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग में होती है, और इसमें एग्जामिनर यदि किसी प्रकार का इसमें कुछ पाई जाती है उस प्रॉब्लम, तो उसको सॉर्ट आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करके इलिमिनेट किया जाता है ताकि अनवांटेड कॉस्ट ना आए। देन बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल इट इज ए सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन मॉनिटरी टर्म ना। जो बजटरी कंट्रोल है यह एक सिस्टम है, मॉनिटरी कंट्रोल जो है कि मॉनिटरी टर्म में इसको मापता है। एंड जो है नेक्स्ट है कॉस्ट और WBS, दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग, अलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट इन प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन टेक्निक। तो अंडर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इट इज द सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस और इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। देन कंट्रोल रूम एंड इट इज द हार्ट ऑफ प्लांट ऑपरेशन, ये सारी चीज यहाँ से रेगुलेट होती है कंट्रोल रूम से। एंड लास्ट इज द MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सर्व एज बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। यानी दैट MIS गैदर डाटा फ्रॉम मल्टीपल ऑनलाइन सिस्टम, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट डाटा एंड टू एड द मैनेजमेंट डिसीजन में। तो इस प्रकार से हम देखें कि वेरियस टेक्निक्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है। अब प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन, अब प्रोजेक्ट का जो है किस प्रकार से इसका फॉर्मूलेशन किया जाता है ना, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन इज द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट आइडिया फॉर अराइविंग एट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, मतलब जो है कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट निवेश निर्णय पर पहुंचने के लिए एक प्रोजेक्ट आइडिया का व्यवस्थित विकास है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है कि किसी पार्टिकुलर
इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पहुंचे। तो प्रोजेक्ट फार्मुलेशन इन्वॉल्व द फ्लोइंग एलिमेंट्स। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि इज इट फिजिबल और नॉट। देन टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन, नेटवर्क एनालिसिस, इनपुट एनालिसिस, देन फाइनेंशियल एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो ये सारी एनालिसिस जो कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस में, और इनके एनालिसिस के बाद हम ये निर्णय लेते हैं कि वेयर इट इज फेवरेबल और नॉट। एंड फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसके कौन कौन से फेज हैं एक डायग्राम में लिया हूँ इसको आप शॉर्ट में इसको बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है फेज ऑफ प्रोजेक्ट, फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए ये है रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल। अब ये इसको देखें डिफाइन अपॉर्चुनिटी, डेवलप प्रपोजल, देन सबमिट एंड निगोशिएट, अवार्ड सेटअप, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट एंड मैनेज सब अवार्ड एंड क्लोज आउट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट इनिशिएट करेगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, देन प्रोजेक्ट क्लोज। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल क्या है, जैसे इसमें जैसे डिफाइन अपॉर्चुनिटी और प्रोजेक्ट इनिशिएशन में इसमें क्या होता है कि फर्स्ट तो आई हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। सो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, मैप कैपेबिलिटीज, उसकी क्या क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, डिफाइन प्रपोजल टीम एंड थीम, देन इवेलुएट एबिलिटी टू विन द अवार्ड, जो अवार्ड विन करने की एबिलिटी है उसको इवेलुएट करेंगे, देन रिफाइन प्रपोजल टीम एंड थीम, उसको पुनः उसकी जो है कि हम उसमें सुधार लाएंगे, डिफाइन प्रोजेक्ट गवर्नेंस, देन ड्राफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्रेडिट टाइम लाइन्स, रिफाइन बजट, अगेन डिफाइन अवार्ड्स एंड अकाउंट सेटअप्स। यानी ये सारी चीज़ें जो बता रहा है कि जो एक प्रोसेस है प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम सिस्टमेटिकली फॉलो करते हुए उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे ना। और लास्ट में जो बोलता है कि स्टाफ ट्रांजिशन प्लानिंग, फाइनल रिपोर्ट ना, और अकाउंटिंग रिकॉन्सिलेशन क्लोज। तो इस प्रकार से हम इस सिस्टमेटिक तरीके से चलकर और उसके लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने की जो है कोशिश करेंगे। ओके, तो इस प्रकार जो है आज के हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़े, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़े मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस अबाउट स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, एंड लर्न दैट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, बिकॉज नाउ ए डेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फास्ट इमर्जिंग एज ए न्यू प्रोफेशन विच रेज द डिमांड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर द प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अर्बन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम गुड्स एक्सेट्रा, एंड प्रोजेक्ट कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल इफ इट्स ऑब्जेक्टिव वुड बी अचीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट यूजिंग द असाइंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।